है गढ़वाली में, ठीक छे तुम बोल के देखने एक बार, ठीक छे तुम, हाँ ठीक छे तुम, तुम्हारी खुद लगनी। हाँ ये सही बोला तुम। प्यार का इजहार करते, प्यार का इजहार नहीं करते भाई गढ़वाली, सब अरेंज मैरिज करते हैं घर वालों की मर्जी से। हाँ, ये फैक्ट है। तो किसी को आई लव यू तो बोलते होंगे यार, हमने तो ट्राई नहीं किया बाकी लोगों के नाम पर। तो मेरी है ही नहीं कोई। ठीक। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग वीडियो, दिस इज प्रिंस। तो आज की व्लॉग वीडियो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, रूम से मैं आ चुका हूँ। ठीक है गाइस, तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठा, उस चक्कर में जो है मुझे जल्दी जल्दी में अपना काम सारा निपटाना पड़ा, और अभी जा रहा हूँ मैं क्लास, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मौसम देख सकते हो आज का ठीक ही है, ज्यादा अच्छा है और ना ही बुरा, छांव आ रही है। चलो चलते हैं अभी। तो गाइज, मैं हम पहाड़ी हैं, ये भैया डिमांड कर रहे हैं पहाड़ी गाना चलाने की, ये यूपी से हैं। कौन सा गाना बता रहे थे तुम? यार एक गाना सुना था, मैंने रील्स देख रहा था। हाँ गोरे गोरे गाल। अच्छा एक सेकंड है, मैं सुना देता हूँ आपको वो गाना, इस पे करना जरा इस। ये हमारे पहाड़ी गानों के बीट्स पे पूरी दुनिया नाचती है। ठीक है, ये भैया की बहुत डिमांड थी इस गाने को सुनने की। कितना ढूंढा तुमने? बहुत ढूंढा, नहीं मिला। दो महीने। किसने दिलाया ये गाना तुम्हें? यही है ना? कौन सी लाइन थी वो? अबे इसी लाइन की बात कर रहे थे ना, इसी लाइन की बात कर रहे थे। अब मैं तुम्हें इसका मीनिंग बताता हूँ, मीनिंग पता है इसका क्या होता है? इसका मतलब बाकी का पता है क्या? ये बोल रहा ना, लेखी 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 मैंने लेखी यार, मतलब मैं लिख के दे दूंगा। अच्छा। तेरे नाम का टैटू बनाऊंगा बॉडी पे। ठीक है, हाँ तेरे नाम का। मेरी है ही नहीं कोई। ठीक है, तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी। ठीक है, अभी मैं तुम्हें, और ये गाना पता है कौन किसने गाया? इंदर आर्या, बहुत पॉपुलर सिंगर है ये हमारे यहाँ का, उत्तराखंड का। हाँ तुमने बोला था ना मुझे गढ़वाली सिखाने के लिए, तो आज मैं यही काम करूंगा, तुम्हें गढ़वाली सिखाता हूँ। तो आज गाइज, हम सचिन भैया को गढ़वाली सिखाने वाले हैं। तुम्हें पता है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है बताओ? जो देखेंगे तुम्हारे यूट्यूब सब्सक्राइबर, हम बोलेंगे भैया हमें तो सब्जी बनाते हैं। सब्जी एक्चुअली यार स्टूडेंट है तो सब्जी तो बनाएंगे ही भाई, सभी बनाते हैं, भूख सभी को लगती है। ठीक है, पहले खाना मुझे बनाना पड़ता है भाई, इसलिए मैं हमेशा किचन में दिखता हूँ। हाँ, और पढ़ते टाइम तो कभी देखा नहीं मैंने, इनको डिस्टर्ब करने नहीं आता हूँ मैं तो। पढ़ते टाइम तो मैं दोनों गेट बंद कर देता हूँ। हाँ, तो मैं मतलब उस टाइम पे नहीं पता। बाकी गढ़वाली सिखाने की बात हुई थी, तो जस्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करने बताओ? जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लो, किसी को पूछना है आपको क्या हाल है, आपका क्या नाम है, तो वो कैसे बोलते हैं? ठीक है, हालचाल पूछते हैं। अगर हालचाल किसी का पूछना है ना, किसी को बोलना है, नाम पूछना है, हालचाल पूछना है, तो उसे कैसे बोलेंगे? तुमने बोलना है उसको। ठीक है, तो आपको बोलना है, अगर तुम्हें पूछना है कैसे हुआ, तो आपको बोलना है गढ़वाली में ठीक छे तुम, बोल के देखने एक बार, ठीक छे तुम। हाँ ठीक छे तुम। अच्छा, जैसे हाँ, नहीं मतलब जैसे पूछने की कैसे हो आप, ठीक हो आप, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं गढ़वाली में ठीक छे तुम। कैसे? ठीक थे तुम, ठीक छे तुम, ठीक छे, ठीक छे छे, अच्छा ठीक छे तुम। ठीक है, ये हो गया। फिर मतलब जैसे आपको मतलब आप किसी को याद कर रहे हो, पापा का कॉल आ गया, पापा बोलना है पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, तो आप गढ़वाली में बोल सकते हो पापा मैं ही तुम्हारी खुद लगनी।
बोलना मैं ही तुम्हारी खुद लगड़ी। हाँ ये सही बोला तुमने। किसी को प्रपोज करना हो तो क्या, किसी को प्रपोज करना हो तो क्या करना हो? प्रपोज। प्रपोज अगर किसी को प्रपोज करना है भाई तो गढ़वाली में प्रपोज नहीं होता है भाई, गढ़वाली में सीधा ना वो करते हैं क्या, प्यार का इजहार कैसे करते हैं? प्यार का इजहार नहीं करते हैं भाई, गढ़वाली सब अरेंज मैरिज करते हैं घर वालों की मर्जी से। ये फैक्ट है। तो किसी को आई लव यू तो बोलते होंगे यार, हमने तो ट्राई नहीं किया बाकी लोग। ये क्या तुम किसी गढ़वाली सिंगर को जानते हो, कोई सेलिब्रिटी ऐसी गढ़वाल में जिसको तुम जानते हो पहाड़ में? गढ़वाली को तो नहीं जानता, वैसे उत्तराखंड के काफी सिंगर थे जैसे अब सब लोग जानते हैं जगन्नाथ मोदी सुरीले। नहीं वो तो है ना, खैर वो तो बहुत बड़ा लेवल पर एक अभी इंडियन आइडल भी जीतता है पवनदीप राजन। तो काफी सिंगर है उत्तराखंड के, तो ऋषिकेश से वो है नेहा कक्कड़, उसके भी गाने मैंने बहुत सुने हैं, तो काफी अच्छे सिंगर है उत्तराखंड के। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 से ऊपर, और सचिन भैया आए हुए थे गांधी पार्क के पीछे, गांधी पार्क है, और उन्होंने मुझे मेरे को कॉल किया कि तू भी आ जा, तो मैं अभी आ गया हूँ। उन्होंने मेरे को अपनी लोकेशन भेजी, लेकिन जो लोकेशन उन्होंने भेजी उस लोकेशन पर वो अभी नहीं है। चलो अभी मैं उनको ढूंढ लेता हूँ, पहले उनको ढूंढ के आता हूँ, जब वो मिलेंगे तब आगे की ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। चलो चलते हैं सचिन भाई को ढूंढने। आप एक बार जरूर यहाँ आकर ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है यहाँ आने पर, ठीक है। बाकी यहाँ का एक स्पेशल ब्लॉग वीडियो आएगा बहुत जल्द, ठीक है। आज तो ऐसे ही हो गया।